जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज आम भिडियो डिस्कसन करवा ओ डबल एस सीजीएल 17 अक्टोबर 2022 प्रथम सिफ्ट रहा इंग्लीश क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन रही इंग्लीश ग्रामर जहाँ आम बर्तमान डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन था सुइटेबल आर्टिकल बसा देता क्वेश्चन था लियोनेल मेसी विन्स बेस्ट फिफा प्लेयर अफ डैश इयर एटे आन बस ना द बस ना ए बस ना नो आर्टिकल तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी द एटे बस तो आंसर है लियोनेल मेसी विन्स बेस्ट फिफा प्लेयर अफ द इयर। सेकेंड क्वेश्चन था जदि डायरेक्ट स्पीच रही तेज इंडाइट कर जब इंडाइट स्पीच रही तेज डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कर। क्वेश्चन था सी सेड टू हर नीस आई नो व्वेयर इज एवरीवन क्वेश्चन था डायरेक्ट स्पीच रहा यह इंडाइरेक्ट्रे बर्तन कराया पड़ो तेरे आंसर हो सी टोल्ड हर नीस दैट सी न्यू व्वेयर व्वाज एवरीवन ऑप्शन नंबर ए यार आंसर हो। क्वेश्चन नंबर थ्री था सुइटेबल प्रिपोजिशन बचा जाता ऑप्शन मान मध्य क्वेश्चन था माई फादर क्राइड डैश माई ग्रेजुएशन ड्यूरिंग ना बिसाइड ना सिंस ना विथ बस एटारे तेरे आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ड्यूरिंग माय फादर क्राइड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मोर ग्रेजुएशन समय मो बापा कांदिले। चार नंबर क्वेश्चन था दैट डे हार्ड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डैश पीपल ऑप्शन था माइन बस ना माइसेल्फ बस ना आई बस ना माइ बस तर आंसर है ऑप्शन नंबर डी माई यार आंसर जो दैट डे हार कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। ओके से पांच नंबर क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक रहा मेजर सिटीज इन इंडिया डैश सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स तेरे आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हाव बीन पल्यूटेड ऑप्शन ए जो कौन आंसर हाव बीन पल्यूटेड आंसर जो कौन मेजर सिटीज इन इंडिया हाव बीन पल्यूटेड सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। छः नंबर 10 नंबर पर्यंत पांचटी क्वेश्चन देता प्यासेजर तेरे प्यासेज को आपड़ स्क्रीनशॉट मारी देखिपर वर्तमान यार क्वेश्चन को बर्तमान देखा क्वेश्चन था व्हेयर डिड द सीन टेक प्लेस प्यासेज देखले आंसर जानपर तेरे आंसर जो ऑप्शन नंबर डी नियर द टाउन। से परी सात नंबर क्वेश्चन था स्टेटमेंट ए देता स्टेटमेंट बी देता तो पता ये स्टेटमेंट दुईटी मध्य प्यासेज अनुजाई क्यों स्टेटमेंट टी ठीक रही तेरे आंसर जो ऑप्शन नंबर बी माने स्टेटमेंट बी टी ही ठीक रही। आठ नंबर क्वेश्चन था द प्यासेज स्पीक्स अबाउट प्यासेज क्या विषय कौन तेरे आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉल ऑफ मास ऑफ अर्थ। ओके प्यासेज आप देखे जानपर व्हाट वाज डिसरप्टेड प्यासेज अनुजाई यार आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हीकुलर ट्राफिक। लास्ट क्वेश्चन था प्यासेज चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द हाइलाइटेड वर्ड अनप्रेसिडेंटेड तेरे प्यासेज गोटे हाइलाइटेड वर्ड था तार नाम अनप्रेसिडेंटेड तेरे तार अर्थ कौन पड़ा था तेरे आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेवर हैपेंड बिफोर। ओके बर्तमान इंग्लीश ग्रामर को जीवा कौन क्वेश्चन अच्छी एगार नंबर क्वेश्चन था पासिव वॉइस कन्वर्ट कराइला क्वेश्चन था दिज ज्वेल्स वेयर डिजाइंड बाय हर सॉरी पासिव था एक्टिव कन्वर्ट कर तेरे आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंसर है सी डिजाइंड दिज ज्वेल्स। बार नंबर क्वेश्चन था दे विल पैक एंड सेंड द गुड्स पता था यह कदि आक्टिव पासिव कर जब पासिव अच्छे आक्टिव कराइला। ओके तो क्वेश्चन अच्छी आक्टिव पासिव कराया पड़ो तेरे आंसर द गुड्स विल बी पैक्ड एंड सेंड बाय देम ऑप्शन नंबर ए यार आंसर बार नंबर क्वेश्चन रेर नंबर क्वेश्चन था इफ यू डैश ऑन टाइम यू विल सी द प्रेसिडेंट तेरे आंसर करेक्ट कौन ऑप्शन नंबर ए आर इफ यू आर ऑन टाइम यू विल सी द प्रेसिडेंट। चौदह नंबर क्वेश्चन था जदि ये सेंटेंस किसी एरर रही चिन्ह देता। ओके क्वेश्चन था प्रधु एलंग विथ हर सिक्स रिलेटिव्स आर कमिंग टू पे द अमाउंट फॉर द गिफ्ट और नो एरर तेरे प्रथम ए रे अच्छी एरर ना बी रे अच्छी एरर ना सी रे अच्छी एरर ना डी रे नो एरर मान किसी एरर ना तेरे आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी रे अच्छी एरर कहीं कारण एलंग विथ लगे आमर जो रहा भर रहा प्रथम सब्जेक्ट सहित कौन कर तारी अनुसार बस प्रथम सब्जेक्ट अनुसार बस। पंद्रह क्वेश्चन था डैश और फिजिकल इलनेस अन्य अचीव इन स्पोर्ट्स विथ सपोर्ट ऑफ अवर पेरेंट। ओके एटार कौन बस पंद्रह क्वेश्चन रे ऑप्शन था दो इंस्पायर्ड इन एडिशन डी डिस्पाइड तो डिस्पाइड बस आंसर ऑप्शन नंबर डी एर आंसर हो कौन हो डिस्पाइड अवर फिजिकल इलनेस अन्य अचीव इन स्पोर्ट्स विथ सपोर्ट ऑफ अवर पेरेंट।
माने शारीरिक असुस्थता रहिबे सत्वे अनन्या अचीव कला कौन तार स्पोर्ट रे अचीव कला किसी कहा द्वारा कहा सपोर्ट माध्यम प्यारेन्ट तार जो प्यारेन्ट थे तार पिता थे सपोर्ट माध्यम से स्पोर्ट्स अचीव कर पाइला तार फिजिकल इलनेस रहिबा सत्वे मध्य। षोलन क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल टेन्स। तो क्वेश्चन था राज यूजुअल डैश हिज डॉग फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग। तो आंसर जो टेक था टेक्स था इज टेकिंग था विल टेक था। तो आंसर जो राज यूजुअली टेक्स इज डॉग। तो राज हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तेनालीरें जो आंसर कौन टेक्स ऑप्शन नंबर बी। सतर नंबर क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक सॉरी सतर नंबर क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो सुइटेबल आर्टिकल बसा जाता डैश फ्रंट में क्वेश्चन था गोवा इज डैश ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। तो आंसर है गोवा इज ए ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया ऑप्शन नंबर डी आंसर है जीवो। ओके अठारह क्वेश्चन था व्हेयर इज डैश बाइक। तो आंसर जीवो योर व्हेयर इज योर बाइक। उन्नीस नंबर क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन था सी फील्स ए लॉट मोर कॉन्फिडेंट डैश हरसेल्फ। ऑप्शन था अबव सिंस ओवर टू। तो आंसर है टू सी फील्स ए लॉट मोर कॉन्फिडेंट टू हरसेल्फ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू। लास्ट क्वेश्चन था कोड़े नंबर इंग्लिश ग्रामर यू डैश प्रूव हिम रॉन्ग आज यू हैव नो एविडेंसेस। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट। तेज है कौन यू कैन नॉट प्रूव हिम रॉन्ग आज यू हैव नो एविडेंसेस। जो तुम पाखे प्रमाण ना कि तुम्हें रॉन्ग प्रूव करपर ना। तो बर्तमान इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जहाँकि परीक्षा आसाला। तो वीडियो किपर लगे निश्चित भाव कमेंट बक्स में जनइबे। रही धन्यवाद।